नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपनी इस मुहिम में कि किस तरीके से आप लोग अपना खुद का फास्ट फूड का रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हैं, वो भी बिना कोई फ्रेंचाइजी फीस दिए बगैर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से मखनी पनीर बर्गर जो होता है हमारा, वो कैसे बनता है, उसकी क्या रेसिपी होती है। तो चलिए दोस्तों, हम सीधा चलते हैं उस रेसिपी की तरफ। दोस्तों, मखनी पनीर बर्गर बनाने के लिए ना अपने को चाहिए होती है ये वीबा कंपनी की मखनी ग्रेवी करके एक मेयोनीज आती है, ठीक है। ये मेयोनीज आपको चाहिए होगी और उसके साथ साथ आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी ये जो हमारी अमूल फ्रेश क्रीम, जो अमूल की जो फ्रेश क्रीम आती है, वो रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब इसका क्या रेशो रहेगा, ये पूरे एक पैकेट जो 1 kg का पैकेट होता है, इस 1 kg के पूरे पैकेट के अंदर हम डालेंगे 210 ग्राम अमूल क्रीम, ठीक है। और इस तरीके से एक ऐसे स्टील के कंटेनर में हमने इसको डाल के इसको हमने कर लेना है मिक्स विद द हेल्प ऑफ लैडल, ठीक है। लैडल की मदद से हम इसको मिक्स कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये जो हमारी जो मखनी जो सॉस है, जो हमारी मखनी सॉस है, वो हो जाएगी रेडी। अब मैं आपको सिखाता हूँ इसका आगे का प्रोसीजर कि किस तरीके से मखनी पनीर बर्गर को कैसे बनाया जाएगा। तो मखनी पनीर बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमें करना क्या होगा, हमारे को अपनी टिक्की जो है, पनीर की जो टिक्की, उसको कर लेना है फ्राई, ठीक है। इस तरीके से हमें पनीर का एक ब्लॉक लेना है और पनीर के ब्लॉक को इस तरीके से लेके हमें इस शेप में, ठीक है, इस शेप में और इस साइज में हमने काट लेना है। इसकी लगभग ये थिकनेस होनी चाहिए, ठीक है, जो एक टिक्की की थिकनेस होती है उस शेप की हमारी थिकनेस होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। और अब हम इस पनीर को कर लेंगे फ्राई, और फ्राई करने के बाद हम इसके ऊपर कुछ हर्ब्स डालेंगे। तो इस पनीर को हम कर लेते हैं दोस्तों फ्राई, ठीक है दोस्तों। तो जब तक ये हमारी जो पनीर की जो टिक्की है ये फ्राई हो रही है, इस दौरान में हम अपना जो हमारा जो पनीर बर्गर जो बनना है, ठीक है, हम उसकी जो ड्रेसिंग, कैसे ड्रेसिंग होती है, वो ड्रेसिंग हम आपको सिखाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आपने एक बन लेना है, ठीक है। ये बन कौन सा लेना है, आपने लेना है इंग्लिश ओवन का, इंग्लिश ओवन कंपनी का ये बन आता है, ठीक है दोस्तों। इसमें 4 की पैकिंग आती है, ठीक है, 4 बन की इसके अंदर पैकिंग आती है। और आपको यही वाला लेना है, एक 6 वाला भी आता है। 6 वाला में जो क्या होता है ना, वो बंस बीच में से कटे हुए नहीं होते हैं, लाइक इस तरीके से, जैसे कि ये बन है, ठीक है, ये ऑलरेडी कंपनी ने बीच में से कट करके दे रखा है, ठीक है। तो आपको ये 4 वाली पैकिंग लेनी है, ठीक है, क्योंकि अगर आप अपने खुद से कटिंग करने के लिए जाएंगे तो खुद से कटिंग करने में क्या होता है ना, ऊपर नीचे हो जाता है। तो दोस्तों, इस चीज़ का आपको खास कर ध्यान रखना है कि इंग्लिश ओवन का बन लेना है और 4 की पैकिंग वाला बन लेना है। तो अब दोस्तों, हम करेंगे क्या, जब तक हमारी टिक्की फ्राई हो रही है तब तक हम अपने बन को कर लेंगे टोस्ट। और बन को टोस्ट क्यों किया जाता है, क्योंकि जो ये हिस्सा है ना, अगर हम इसके ऊपर अगर ड्रेसिंग करेंगे ना, मेयोनीज डालेंगे, तो ये ना सारी मेयोनीज बर्गर के अंदर सोख लेगा, अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो जब हम बन को टोस्ट करते हैं तो बन के अंदर ना शुगर होता है, जो टोस्ट होने की वजह से वो एक ऊपर एक लेयर क्रिएट कर देता है, जिसको हम ब्राउन कलर की जो आपको दिखती है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैरमलाइजेशन, ठीक है। कैरमलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी होता है बन का, एक तो बन टोस्ट भी हो जाता है, सॉफ्ट भी हो जाता है, और जो मेयोनीज होती है वो मेयोनीज भी बर्गर के अंदर नहीं जाती है, तो इसलिए हमारे बन को हमें टोस्ट करना ज़रूरी होता है। अभी टोस्ट जैसी बन होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाएगी, वो शुगर की वजह से होती है, जो शुगर होता है बन के अंदर, वो शुगर की वजह से वो लेयर पूरी क्रिएट करता है। तो दोस्तों, जब तक हमारा लगभग हमारी जो टिक्की भी है वो भी कुक होने वाली है, उसके ऊपर क्या हर्ब्स पड़ेंगे, क्या मसाले डालेंगे, ठीक है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। जो हमारा ये बन है, देखिए दोस्तों, ये देख रहे हैं ना आप, ये ब्राउन कलर का हो चुका है, ठीक है। इसके अंदर जो शुगर थी ना, इस शुगर की ये जब हीट के कॉन्टैक्ट में आता है तो एक ये पूरी एक लेयर क्रिएट कर लेता है, इसी को हम कैरमलाइजेशन बोलते हैं। तो दोस्तों, अब हमने करना क्या, अब हम इसके ऊपर ड्रेसिंग करेंगे। जो मेयोनीज हमने ये रेडी कर रखी थी, ठीक है, इस मेयोनीज को हम लेंगे इस तरीके से लैडल में और बिल्कुल सेंटर में, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में हम इस तरीके से इसके ऊपर ड्रेसिंग कर लेंगे। और इसके ऊपर जाएगा दोस्तों थोड़ा सा अनियन, ठीक है, और थोड़ा सा लेटस, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से थोड़ा सा अनियन और थोड़ा सा लेटस जाएगा। और जब तक हम जो हमारा हील था, ठीक है, ये भी एक प्रॉपरली तरीके से कुक हो चुका है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, एकदम नरम हो जाता है ये जो बन है ना आपका टोस्ट होने के बाद, तो इसलिए बन को टोस्ट करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, जो हमारी जो टिक्की है, पनीर की टिक्की, ये हो चुकी है फ्राई, ठीक है, ये इस तरीके से फ्राई हो चुकी है। अब हमने इसके ऊपर मसाले हर्ब्स डालने हैं। ये हमारा पिरी पिरी स्प्रिंकलर, ठीक है, पिरी पिरी स्प्रिंकलर VKL कंपनी का आता है दोस्तों, ठीक है,
ये काफ़ी चटपटा थोड़ा सा स्पाइसी होता है, ठीक है। इसको हम डाल लेंगे अपनी पनीर की टिक्की के ऊपर, थोड़ा सा हम ऑरिगेनो जो कि हम पिज़्ज़ा के ऊपर जो पिज़्ज़ा सीजनिंग होती है वो डालेंगे, थोड़ा सा हम डालेंगे इसके ऊपर सॉल्ट, ठीक है। और ये तीनों चीज़ें डालकर हम इसको इसके ऊपर अच्छे तरीके से लपेट देंगे। सेम इसी तरीके से दोस्तों हम इसको दूसरी साइड से भी थोड़ा सा ऑरिगेनो, थोड़ा सा पिरी पिरी स्प्रिंकलर, ठीक है, और हल्का सा सॉल्ट, ठीक है। इस तरीके से ये तीनों चीज़ें लगाकर हम इसके ऊपर टिक्की के ऊपर अच्छे तरीके से लपेट देंगे ताकि इसको एक फ्लेवर मिल जाए, टेस्ट मिल जाए। क्योंकि दोस्तों जो पनीर होता है ना, पनीर का अपना कोई खुद का तो टेस्ट होता नहीं है, तो उसका टेस्ट को डेवलप करने के लिए ये तीन चीज़ें हम इस टिक्की के ऊपर लगाते हैं। वैसे तो मार्केट के अंदर बनी बनाई टिक्कियाँ भी आती है, ठीक है, बट अगर आपके शहर में अगर उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है, तो आप इस तरीके से पनीर की टिक्की को बना सकते हैं। और ये पनीर लगाने के बाद थोड़ा सा जो हमारी जो मखनी मेयोनीज है वो हम इसके ऊपर भी डाल दें, ड्रेसिंग कर देंगे, ठीक है, ताकि इसको ऊपर से और नीचे से दोनों तरीके से पूरा प्रॉपर मखनी का टेस्ट मिले। और ये अब इसको हम अपनी हील लगा के जो रैपर के अंदर हम बर्गर को कर देंगे रैप। रैपर के अंदर रैप करने से होता क्या है दोस्तों कि एक तो ये जब आप होम डिलीवरी में दे रहे हैं चाहे कहीं पे भी दे रहे हैं, ठीक है, एक तो ये गर्म रहता है, ठीक है, इसका जो शेप और साइज़ होता है वो इधर उधर नहीं होता, ये अपनी बिल्कुल एकदम सही जगह पे रहता है। तो दोस्तों इसलिए हम बर्गर को रैपिंग करते हैं। तो दोस्तों अब हम सीख रहे हैं किस तरीके से हमारा मखनी पनीर बर्गर बनेगा। मखनी ग्रेवी जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि किस तरीके से मखनी ग्रेवी बनेगा, ठीक है, मखनी ग्रेवी आपको डालना है। उसके बाद इस पर जाएगा हमारा चॉप्ड अनियन, ठीक है, चॉप्ड अनियन जाएगा, और उसके बाद जाएगा हमारा इसके ऊपर लेटस, ठीक है दोस्तों। और फाइनली जो हमारी पनीर की टिक्की है, ठीक है, पनीर की टिक्की जाएगी, इसके बाद हमारा इसके ऊपर थोड़ा सा मखनी ग्रेवी और जाएगी। फिर लास्ट में इसके ऊपर हम थोड़ी सी मखनी ग्रेवी की टॉपिंग और करेंगे, इस तरीके से मखनी ग्रेवी जाएगी। और ये हमारी हील लग जाएगी इसके ऊपर, और हील लगाने के बाद अब हम इसको कर लेंगे रैप, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इसको कर लेंगे रैप। तो दोस्तों देखा आपने कितना इजी है मखनी पनीर बर्गर को बनाना। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से मखनी पनीर बर्गर को बनाया जाता है। तो इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।